एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। वैसे आपको आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। यस, आज मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ फुकेट की बांग्ला रोड। इट्स द मोस्ट फेमस वॉकिंग स्ट्रीट ऑफ दिस एरिया। फुकेट का सबसे मशहूर है ये, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। मुझे नहीं पता बिकॉज आई हैव नेवर एक्सप्लोर्ड दिस लाइफ। मैं इतना थका हूँ यकीन करें, क्योंकि मैं अभी आज ही जेम्स बॉन्ड आइलैंड से पहुँचा हूँ। दिस इज़ माई लास्ट नाइट इन फुकेट। I will fly tomorrow from Phuket. तो टाइम नहीं था तो रात को ही खुलती है भैया। मैं जेम्स बॉन्ड आइलैंड से आया हूँ तो मैंने यहाँ पर आकर जो है वो क्या कहते हैं विज़िट करना है। थका हुआ इतना हूँ क्या करूँ। खैर चलें आगे चलता हूँ, देखता हूँ क्या सीन है, क्योंकि यार मुझे एक्सप्लोर तो करनी थी। मैं जानना चाहता था कि असल में कैसी लाइफ है, मैंने कभी नहीं देखी। सो डोंट टेक इट रॉन्ग, अगर किसी को रॉन्ग लगता है वो उसका डिसीजन है। दिस इज़ माई डिसीजन एंड डेफिनेटली मैं ख्याल रखूँगा। बट दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर अडल्ट पीपल, नॉट फॉर द चाइल्ड्स। तो बच्चे ना देखें। चले अंदर चल के देखते हैं क्या कहानी है। आ जाए मैं ज़्यादा कैमरा ऊपर या ज़्यादा नीचे नहीं कर सकता, या तो नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा। ये डिस्को बार में देखते हैं सारे आप सारे। अभी किसी ने बताया कि सीधा ही जाना है, क्योंकि मुझे इसका आइडिया नहीं है। इतनी बड़ी है रोशनी रोशनी है।
लेकिन यहाँ आना भी था मुझे, क्योंकि आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग ऑफ लाइफ, वट हाउ डू पीपल आर लिविंग. आई वॉन्ट नो दैट एंड यू नो आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट थिंग विच यू नो इज गोइंग टू टेक यू अवे फ्रॉम योर रिलीजन. एक टेलर था. सो माई फ्रेंड्स, मौका किसी किसी को मिलता है, अवेल कोई कोई करता है. नहीं, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर कि भाई मैंने ये लाइफ ली देखी नहीं है. हर एक की अपनी ज़िंदगी है, उसे जैसे जीनी चाहिए. बट मैं तो भाई अपनी ज़िंदगी कोशिश करता हूँ, वैसे मैं इतना वो हूँ नहीं नेक, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं अल्लाह ताला के अहकाम पे गुजारूँ, कोशिश करता हूँ. बाकी अल्लाह मदद करने वाला है. सो ऐसा है कि भैया बहुत लाउड म्यूज़िक में मेरे दिल पर लगता है, लाउड म्यूज़िक में पता नहीं मुझे पसंद क्यों नहीं है. अभी अंधेरा आने वाला, मैं ये बैठे ख़त्म कर दूँ. आगे बस मुझे होटल है, उससे काफ़ी चलना पड़ेगा मुझे 1.5 किलोमीटर, क्योंकि मैं यहाँ पर पैदल बड़ा चल रहा हूँ आजकल. ये हालत हो गई आपके भाई की, कमज़ोरी देख लें आप. अभी हाथ पूरे बर्न हुए हैं और इतना शदीद थका हुआ हूँ ना, मैं आपको मैं क्या बताऊँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थका हुआ हूँ. क्योंकि बस ये आज मेरी लास्ट नाइट है फुकेट में. आई विल लीव फुकेट टुमारो. तो मैंने एक्सप्लोर इसलिए करनी थी कि मुझे जानना था कि अंदर क्या होता है. उसके देखने के बाद बाकी कोई फ़ायदा ही नहीं अंदर जाने का, मतलब लाइक मेरे लिए तो नहीं है. क्योंकि यार मेरे ख्याल से जब ज़्यादा चीज़ नुमाया होती है ना, उसकी वैल्यू उतनी कम होती है, मेरा मानना ये है. क्या कहूँ, ये खैर मुझे समझ भी नहीं आती बेसिकली. शायद म्यूज़िक लाउड बहुत होता है, डांस वांस बहुत ज़्यादा है, तो कभी मैं गया नहीं हूँ, तो मेरा वो आदत भी नहीं है मेरी कि मतलब इस तरह लाइक हमने कोई माहौल नहीं ना देखा कभी ऐसा. तो मेरे लिए बिल्कुल न्यू था, बस एक्सप्लोर करना था कि जानना चाहिए दुनिया में होता क्या है भैया, क्या क्या होता है, ये सब जानना है मुझे. और एक्सप्लोर करनी दुनिया तो हर जगह और हर जगह जाएंगे. हर एक का अपना मुआवजा, हर एक ने अपना जवाब खुद देना. एनी वेज गाइज, लव यू ऑल. आई मैं कैमरा आप समझो कि तो देख के बात कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, कैमरा चार्ज नहीं था यार. सारा दिन लग गया मुझे जेम्स बॉन्ड आइलैंड पे, उसकी वीडियो आप पहले देखोगे, ये बाद में आएगी. खैर, दिस इज़ माई लास्ट डे इन फुकेट. टुमारो आई विल लीव फॉर बैंकॉक एंड वहाँ से फिर आगे की स्टोरी आपको आगे पता लगेगी. तो चलें, अगर वीडियो समझ में आई हो, देखना चाहते हो, डिसलाइक मत करना और कोई बुरे कमेंट मत करना यार, क्योंकि हर एक की अपनी मर्ज़ी, मेरी भी अपनी मर्ज़ी है. मैं समझता हूँ आपका दिल, आप आपका दिल नहीं आता ना हो, एटलीस्ट देखेंगे दुनिया में हो क्या रहा है. एनी वेज, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, और प्लीज़
मेरे इंस्टा को फॉलो करें, इंस्टा को मैक्सिमम आप मेरे जो है ना फॉलो करो करें। अगर आप देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है, लाइक कर रहे हैं, तो लाजमी करें प्लीज़। और दूसरा ये है कि यार मैं इतनी दूर आया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि आप जब वीडियोस देखेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, आपको आइडिया हो जाएगा। खैर कबल इस वक्त कोई बात नहीं कहनी चाहिए, दुआ में याद रखें, लव यू ऑल, सब्सक्राइब माई चैनल अगेन, अल्लाह हाफ़िज़।